for the first time in ages. I wake up and don't hate it. I guess I've found some peace. कसम से बोल रहा हूँ, ये टनल में इतना धुआं और ऐसा फील हो रहा है ना जैसे एकदम ऑक्सीजन है ही नहीं इस टनल के अंदर, ऐसे वाला फील हो रहा है। बाप रे, मैं तो चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ। सार को टरबाइन चालू है, सार की सारी टरबाइन चालू है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे एकदम जान निकल जाएगी ऐसे, मतलब पूरा वो हो रखा है। बाप रे बाप, विजिबिलिटी भी नहीं है, सामने दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ। जब हालत खराब है भाई यहाँ पे तो। क्या चक्कर है, टनल भी खत्म नहीं हो रहा है। टनल है क्या है? अरे बाप रे बाप, जो लगता है ये पहला ही टनल है चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जाते हुए, और मनाली से चंडीगढ़ आते हुए लास्ट टनल है। ऑब्जर्व कर लेना दोस्तों आप भी, बहुत ही भयंकर हालत खराब हुई है उसके अंदर। चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। काफ़ी लेट चल रहे हैं हम लोग, अभी 9:30 बजा है, 9:30, और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस। कहाँ 17 डिग्री सेल्सियस था, कहाँ 34 डिग्री सेल्सियस है रात में, वो भी दिन में 17 था भाई। बट कोई ना, जो है सो है, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज अब आई कांट रेज द स्पीड, मैं स्पीड बढ़ा ही नहीं सकता हूँ, 70-75 तक बस उतने में ही चलने दे रहा हूँ, अभी तक वैसे ही चला हूँ। रिटर्न में मैं अकेला हूँ दोस्तों, और रात का सफ़र कर रहा हूँ। लोगों ने बोला नहीं नहीं सर, ये रास्ते से मत जाओ, रात का सफ़र इस रास्ते से मत करो। भाई मेरा देश है, मेरा इंडिया है, भले लूटपाट होती है, मेरे पास क्या ही लूट लेगा भाई, पता चला साला मैंने उसको लूट लिया। देखते हैं अगर मुझे कोई लूटता है या मैं उसको लूटता हूँ रास्ते में। गूगल ने कर दी अपनी ऐसी तैसी, मुझे बता दिया है गांव का रास्ता, और ये सिंगल रोड पता नहीं गांव में से कहीं कहीं से घुमा घुमा के लेके जा रहा है मुझे। चंडीगढ़ क्रॉस कर दिया है, अम्बाला की ओर बढ़ रहे हैं, अम्बाला ही शायद से रास्ता लेके जाएगा, अम्बाला से फिर हमको कनेक्ट करेगा। मैंने अभी इसको बाइक का छोड़ करके कार का कर दिया भैया, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। कुदवा ने मना किया है भैया, यासीन काहे बोल रहे हो? गूगल बाबा की जय हो। देखो कहाँ से लेकर आया मेरे को, शिट यार, पहले ही चेंज कर लेना चाहिए इसको। सच में यार गूगल, कहाँ कहाँ से लेके आएंगे, देखो। चल भाई फंस गए क्या, गाँव के रास्ते से लेके आए भाई। नदी के ऊपर से ये पुल भी, एडवेंचर खत्म हो गया मेरा स्पीटी में। दोबारा से एडवेंचर करवा रहे हैं लोग मेरे को। गूगल बोलता है भाई इधर एडवेंचर ख़त्म नहीं करूँगा, और कितना एडवेंचर कराओगे भाई। चलो भैया
लगता है सबको गूगल ने बताया रास्ता ही वाला। फ्रीक मैन, फाइनली हम आ गए मेन रोड पे। चलो बाहर बढ़ते भैया आगे, अब ये रास्ता मत छोड़ना। हाँ गूगल भाई प्लीज कीप मी ऑन दिस रोड। ठीक है बच्चों को, ये देखो मेरा बच्चा। हाय अजमत भाई, हाय अजमत भाई। गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत ही कंट्रोल में गाड़ी चला रहा हूँ, 30-40 के स्पीड में, इसलिए। और रास्ता पूरा खाली है, सड़क के पीछे हूँ मैं। दिल्ली में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। दिल्ली यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर है और हम पेरिफेरल जो रोड है दिल्ली का वो लेकर के जयपुर की तरफ निकले हैं। आई गेस अच्छा ही होगा, अलाउ करना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं भी करेंगे तो घुस जाऊँगा मैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं मेरे पास। सो लेट्स गो, हैव सम चाय, गेट वॉश योर फेस एंड देन। ये है पेरिफेरल रोड फॉर जयपुर, दिल्ली का पेरिफेरल रोड ले रहे हैं हम लोग। होपफुली इसके ऊपर हमको अलाउ करेगा, अगर नहीं करेगा तो दूसरा रूट लेके जाएंगे, बट लेट्स ट्राई फॉर इट। दिल्ली का हाल अब तक बुरा ही है, देख रहे हो सामने पूरा मतलब फॉग जमा हुआ है, बिल्कुल फॉग मतलब स्मॉग, स्मॉग जमा हुआ है। मुझे भी हल्का हल्का लग रहा है नाक में, एकदम तकलीफ जैसा, बट बिकॉज वो एकदम फोर्स के साथ में आ रहा है ना नाक पे, इसलिए शायद। कब ठीक होगा दिल्ली का ये एयर पोल्यूशन पता नहीं। हम अभी पेरिफेरल रोड पे है दिल्ली के, यहाँ पर किसी ने रोका नहीं तो हमने भी किसी को टोका नहीं, सीधे सीधे चल रहे। और 58 किलोमीटर पेरिफेरल पे चलना है, टोटल 80 किलोमीटर था पेरिफेरल पे। वहाँ से निकलेंगे सीधा बाहर जयपुर की ओर। यहाँ पे खाएंगे हम खाना, अभी 200 किलोमीटर बाकी है भाई। जयपुर, वी आर ऑन द जयपुर हाईवे नाउ, दिल्ली से जयपुर के हाईवे पे पहुँच चुके हैं, सेफ एंड सिक्योर। साला कोई लूटा नहीं यार, आई मीन मैंने किसी को लूटा नहीं। चलो कुछ खाते हैं और फिर जाते हैं। हो गया भाई डिनर, रात को 3 बजे, बट अभी 3:48 हो रहा है, सुबह के 4 बजने वाले हैं। सो और डिनर भी बड़ा सस्ता हुआ यार, 200 रुपये में 170 रुपीज़ का डिनर, सही है। बट ज़्यादा कुछ खाया नहीं मैंने, एक दाल तड़का है, 2 रोटी। यही रास्ता है हमारा टूवर्ड्स जयपुर, सीधे 200 किलोमीटर बाकी है, 200 किलोमीटर्स, एंड इट्स शोइंग 3 hours 36 minutes। चलिए भैया जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और सोते हैं। किसी नींद आने लगी तो मैं यहाँ पर रुक करके चाय पीने लग गया था मेरा भाई। हाँ क्या बोला, हाँ आएगी ना, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर से 150 किलोमीटर तो बचा ही है भाई, 7:30 तक पहुँचेंगे। चलिए निकलते हैं। नींद आए तो रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, बॉडी पूरा स्टिफ हो चुका है मेरा। इट्स बेटर टू वेट एंड रिलैक्स एंड देन स्ट्रेचिंग के बाद फिर से निकलो भाई, ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, रात का टाइम है।
सुबह होने वाली है, 5 बजने वाले हैं मेरे दोस्त। चलो आगे में बढ़ते हैं, 150 किलोमीटर काटना है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस गुड मॉर्निंग इज फ्रॉम राजस्थान। ये देखिए सूरज निकल चुका है, सूरज निकल चुका है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। हम हैं राजस्थान में, जयपुर पहुंचने के लिए अभी 75 किलोमीटर बाकी है। चूक न जाना, किंग का खाना जाना अपनी कहीं पे और कराना, इसके बाद दाल बाटी नहीं मिलती है। चोमू पैलेस, अबे चोमू पैलेस इसका है पता आपको, अपना नहीं है। चलिए भैया लेट हो गया रे यार, आज बॉडी एकदम स्टिफ हो गया है मेरा, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है, एक्सरसाइज की ज़रूरत है। देखो कितना प्यारा सूरज निकला है माशाल्लाह। थोड़ी देर पहले मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं रुक गया था, अपन रेस्ट नहीं लेने का भाग। आज हम इसका रिंग चेंज करवाएंगे बाइक का, बिकॉज इसका शेक अभी तक कम हुआ नहीं है, वो होगा भी नहीं, देख रहे हो लग गया ट्रैफिक जाम। ब्रिज के ऊपर लग गया है ट्रैफिक जाम भाई, बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है। हर 50 किलोमीटर में रुका हूँ मैं, अभी लास्ट के 150 किलोमीटर में, 200 किलोमीटर में 3 बार रुक गया हूँ, 15-15, 20-20 मिनट का ब्रेक ले लिया है, और अभी थोड़ा और फ्रेश लग रहा है। मुँह हाथ धो करके फिर निकला हूँ, मुँह हाथ धो करके फिर निकल रहा हूँ। अभी हमने आज लगभग 800 से 850 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया है। कल दोपहर में मैं सोया नहीं था, जिसमें 2 बार बड़ा बड़ा ट्रैफिक जाम मिला है, लगभग 10-10 किलोमीटर का, एक बार जीबी में और एक बार मौत से आगे मनाली के पास, मनाली से आने वाला ट्रैफिक जाने वाला था, ज़्यादा था यार, उसने बहुत टाइम पास कर दिया। और साथ ही साथ मैं स्पीड बढ़ा नहीं सकता बिकॉज टायर में प्रॉब्लम, रिम में प्रॉब्लम, सो मुश्किल है। बट अभी 51 किलोमीटर्स बचा है बस, दैट्स इट, 51 किलोमीटर्स, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे कैसे भी करके। दिल्ली पहुंचते बाइक दे करके फिर सो जाएंगे। फाइनली जयपुर में आपका स्वागत है। 800 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद में 15-15 किलोमीटर का सारा ट्रैफिक जाम झेलने के बाद में इतने सारे ब्रेक ले लिए, पहले स्टार्टिंग में तो ब्रेक नहीं लिए, बाद में नींद आने लगी तो ब्रेक ले लिए, और अभी हम बस अगले 2 से 4 मिनट में पहुँचने वाले हैं BMW मोटर राड, प्रताप मोटर राड जयपुर, और यहाँ पर ही हमारा होगा आज का ठिकाना, और फिर हम होंगे कल यहाँ से रवाना, नहीं आज शाम को ही रवाना, कल तो मुंबई में रहेंगे भाई सुबह सुबह। आई नो इस ब्लॉग में उतना कुछ खास नहीं था, बट ठीक है चलो रूम तक तो चलते हैं। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है यही है प्रताप मोटर राड, प्रताप BMW मोटर राइड जो जयपुर, सो हम जयपुर में हैं अभी, वर्कशॉप खोलने के लिए भी टाइम है, बट अजय भाई आ रहे हैं एंड बस यार ये काम जल्द से जल्द करवाना है, यहीं पे कहीं पे रुकना पड़ेगा मुझे,
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. लेट मी गो हैव सम फूड एंड स्लीप. और फिर रात को फिर से निकलना है मुंबई के लिए. मुंबई का सफ़र होगा 1200 किलोमीटर का. यहाँ से घर तक 1200 किलोमीटर पड़ेगा. और दोस्तों 1200 किलोमीटर गाड़ी चलाना, वो भी 12-14 घंटों में, इट्स गोना बी हार्ड. लेट्स सी हाउ इट गोज. यू बी देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट वन. लव यू ऑल. स्टे ट्यून्ड. आपका अपना राइड भी सोचा कहता है. बाय बाय. थैंक यू सो मच. बाय बाय.